आप मेरे पीछे देख रहे हैं, झांसी का किला है। मैं उस पॉइंट को आपको दिखाने वाला हूं जहां से झांसी की रानी ने छलांग लगाई थी, इस पहाड़ से, यानी कि इस किले से नीचे कूदी थी। उस जगह पर पूरी कहानी दर्शाई गई है जहां पर वो झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी इस किले से उतरकर। तो दरअसल यहां से आप देख सकते हैं झांसी का नज़ारा आपको देखने को यहां मिलेगा चारों तरफ से। मैं किले के स्थान यहां से हमें आना पड़ता है। यहां से आने के बाद जस्ट किले से पहले ए बना है, ए इस पॉइंट पर झांसी की रानी ने छलांग लगाई थी, यहां से कूदी थी और अंग्रेजों के साथ यहां पर लड़ाई लड़ी थी। तो यहां देख सकते हैं यहां पर ताला लगा हुआ है और अब हम अंदर जाएंगे और यहां पर जाली में से जाना पड़ता है। देख सकते हैं यहां पर जाली वगैरह टूट चुकी है। यहां पर पूरी कहानी दर्शाई गई है झांसी की रानी की। तो देखिए हम अंदर आ चुके हैं, वह है वो पॉइंट है ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहां से झांसी की रानी ने छलांग लगाई थी, यहां पर आई थी। किस तरह इस जगह पर अंग्रेजों से झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी और कैसे अंग्रेजों को हराया था और कौन कौन था झांसी की रानी के साथ, तो इसमें इस मूर्तियों में सब कुछ दर्शाया गया है। क्या कहानी रही मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा पूरी की पूरी कहानी यहां पर। तो देख सकते हैं ये रोड है और यह है वो यहां से दरवाज़ा बंद था। सबसे पहले जब हम यहां आएंगे देख सकते हैं किले का कोना है और यहां पर, तो यहां देख सकते हैं अंग्रेज बना है और अंग्रेज ये तोप है, इस तोप के इसमें देख सकते हैं तोप का गोला फंसाकर किस प्रकार से किले पर आक्रमण कर रहा है और तोपची को किला तोड़ने का आदेश देते हुए जनरल हेवरेज किस प्रकार से, ये देख सकते हैं बम जैसे गोले हैं तोप के इस प्रकार से, और ये हेवरेज है जिसने इस झांसी की रानी पर इस पर आक्रमण किया था। इसकी पूरी रणनीति इस हेवरेज के हाथों में थी कि किस प्रकार किले पर आक्रमण करना है। तो यहाँ से वो आदेश देता है अपने सैनिकों को, यहाँ से सैनिक अपने तैयार होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं झांसी की रानी की ढाल और तलवार कुछ इस प्रकार से यहाँ दर्शाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार है। और यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि देशद्रोही दूल्हा राज जनरल कैंगे से रिश्वत लेते हुए, गेट पर देख सकते किस प्रकार से इसने ताला खोल दिया था किले का, और यहाँ पर देख सकते ये रिश्वत ले रहा है, देशद्रोही इसे कहते हैं। और इस ताले को आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने तोड़ खोल दिया है जिससे अंग्रेजी सेना अंदर घुस सके, तो ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो यह दृश्य आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो झांसी की रानी के जो सैनिक थे, यानी कि किस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे हैं। यह अंग्रेज की कुछ वेशभूषा इस प्रकार से बना दी जाती थी, देख सकते हैं बंदूक है और तलवार ढाल वगैरह ये साथ में लेकर चला करते थे। यहाँ पर पूरी कहानी बताई गई है और यहाँ पर लिखा भी है झांसी के वीर रण बाकरे अंग्रेज फौज से लोहा लेते हुए वीरा मंगल सिंह, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है मंगल सिंह है जो इनके वीर योद्धा थे इस प्रकार से। अब और आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। अब जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस लड़ाई किया करते थे अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना। देख सकते हैं हमारे जो भारतीय सैनिक थे इनमें तलवार उसके पेट के अंदर घोंस दी है, तो देख सकते हैं ये पूरी की पूरी इस प्रकार की लड़ाइयाँ हुआ करती थी यहाँ पर। और ये लड़ाई से पहले एक खास चीज़ और आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर कलश लोटा वगैरह जब भी हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी जो सैनिक थे किस प्रकार से रहने के लिए जाया करते थे, तो उनकी पत्नियाँ किस प्रकार से लोटा में जल लेकर और उनका तिलक किया करते थे, यहाँ फिर युद्ध की ओर जाया करते थे। लोग हंसते हंसते विदा किया करते थे कि जाइए और विजय हासिल करके आइए। तो यह थी यहाँ की कहानी। अब मैं उसी पॉइंट पर लेके चल रहा हूँ जहाँ से रानी ने छलांग लाई और वहाँ पर उनका घोड़ा कूदा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से सैनिक डले हुए हैं और देख सकते हैं ये सैनिक है कैसा मूर्छित होकर किस प्रकार से दर्शाया गया है कि इस जगह पर आप ये देख रहे हैं ये खून से लथपथ इस जगह पर कई सैनिक घायल हुए और कई अंग्रेजों को इन्होंने मारा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रानी के विश्वास पात्र सेनापति जवाहर किस प्रकार से लड़ रहे हैं और झंडा लिए हैं झांसी का, देख सकते हैं किस प्रकार से उसकी तलवार से गर्दन पूरी उन्होंने काट दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं इसी जगह पर, ये किले का कोना है यहाँ देख सकते हैं झांसी की। अब हम और आगे की ओर जाएंगे, दिखाएंगे कौन कौन था इनके साथ। यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेज को किस प्रकार से इन्होंने मारा तलवार से और मूर्छित हुए, देख सकते हैं जीभ भी बाहर निकल आई इसकी, तलवार फेंकने वाली है। और यहाँ यह है हमारे भारत झांसी के सैनिक।
तो देख सकते हैं अब हम ऊपर जा रहे हैं और कुछ इस प्रकार का रास्ता है, यहाँ से हमें जाना पड़ता है। ये देख सकते हैं, ये देखिए झांसी की रानी 1857 की आज़ादी की दहकती ज्वाला महारानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार से युद्ध कर रही है, इन अंग्रेजों को किस प्रकार से मार रही है। और बच्चा पीठ में देख सकते हैं बंधा हुआ है। और इस जगह पर देखिए, यहाँ पर यह है झांसी की रानी लानी लक्ष्मीबाई की युद्ध की कहानी। और यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर भी किस प्रकार से रानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अंग्रेजों को मार रही है। देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी युद्ध की कहानी यहाँ बताई गई है दोस्तों। दरअसल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं जब भी युद्ध की रणनीति होती थी तो किस प्रकार से यहाँ पर ये बाजा बजाया जाता है जो युद्ध की घोषणा हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके विश्वास पात्र तोपची किस प्रकार से तोप चलाया करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये तोप है, इसमें गोला डालकर इस किले की रक्षा के लिए इन्हें खास तौर से दायित्व सौंपा जाता था। देख सकते हैं तो ये कहानी रही झांसी की रानी की। और झांसी की रानी ने इस पॉइंट से, मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर ऊंचाई देख रहा है, यहाँ से इनका घोड़ा यहाँ पर आया था, देख सकते हैं कूदकर, और किस प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। पूरी की पूरी ये घटना यहाँ पर दर्शाई गई है। यह खून से लथपथ ये जमीन जहाँ कई अंग्रेजों को मार गिराया था झांसी की रानी ने। तो देख सकते हैं ऐसे ऐसी वीरांगना ने यहाँ पर कुछ अलग सा प्रदर्शन कर रखा है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका गला तो काट ही दिया है, और इस चारों तरफ से किले का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमें दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। और ये दर्शाया गया जब भी इस किले में आओ तो यहाँ पर जरूर एक बार विजिट करो, यहाँ पर लगता है कि असली युद्ध हुआ था। पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर दर्शाई गई है जिससे लोग यहाँ पर समझ सके कि क्या कहानी है इस चित्रकारी के जरिए।